दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम सब कुछ ना कुछ सपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखे होंगे। मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा और कुछ लोग देख रहे होंगे कि उनको क्या बनना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक लड़के से पूछा कि भाई तुमको क्या बनना है आगे जाके, तो वो बोलता है कि मुझे तो एक रैपर बनना है। फिर मैंने बोला अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला और, तो बोलता है कि मुझे राइटर भी बनना है। मैंने बोला ये तो और बढ़िया बात है। और मैंने बोला कि जैसे ही मैं उससे और कुछ पूछने वाला था, वो कह रहा है कि मुझे एक डांसर भी बनना है। सो आप देखिए, एक बंदा तीन चीज़ें करना चाहता है, तीन अलग अलग क्वालिटीज़, एक रैपर, एक डांसर और एक राइटर। मतलब वो अपने गाने खुद लिखना चाहता है, डांस करना चाहता है, उसको गाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में है कि मैं आगे जाके एक बहुत अच्छा रैपर बनूंगा और मैं अपने गाने खुद लिखूंगा और डांस भी करूंगा। तो दोस्तों मैंने उससे पूछा कि तुमने कितना क्या काम किया अब तक इन तीनों काम करने के लिए। तो उसने बोला मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने बोला क्यों? बोला यार मेरे घर के हालात थोड़े ख़राब हैं। बोला कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो सब कुछ बुरा हो जाता है, तो मेरा थोड़ा बैड लक सा चलता है। सो मैंने जैसे ये सुना तो मुझे हंसी आ गई। दोस्तों सच बताऊँ, हंसी तो आनी चाहिए उन लोगों पर जो कहते हैं कि वो नहीं कर पाए सिर्फ उस वजह से कि उनका भाग्य खराब है। अब मैं जो लोग भाग्य को रोते हैं अपने, जो लोग अपने भाग्य को लेकर पकड़े हुए रहते हैं और ये सोचते हैं कि जीवन में भाग्य सब कुछ है, सो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप ही लोगों के लिए। सो जैसे ही मैंने उस लड़के से बात की और मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा भाग्य क्या, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा भाग्य खराब है, तो वो बोला कि मैं कुछ भी करता हूँ वो सक्सेस नहीं होता है। इससे पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। वो लड़के, मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम कितना समय अपने काम को देते हो, तो देखा जाए तो वो सवेरे 11-12 बजे सो के उठता है और फिर दिन में 3 बार खाना खाता है, या फिर दिन भर खाने की जो सा टाइमिंग है वो भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, कॉलेज जाना और पिक्चर देखना और जो टिकटॉक के वीडियो है और सारी चीज़ों जो देखने में टाइम निकालता है, और कहता है कि मैं शाम को 2 घंटे अभ्यास करता हूँ अपने पे, और बनना चाहता है वो एक रैपर, एक राइटर, या मैं कहूँ बनना चाहता है एक डांसर। आप देखिए तीनों अलग काम हैं, तीनों पर काम कर रहा है वो अपने 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे। तो आपको क्या लगता है, इसका एवरेज भी निकालूंगा तो वो उतने घंटे जो काम करेगा तो भी नहीं बन पाएगा। मैं आपको सच बताऊँ, लाइफ में हम जब हार जाते हैं, लाइफ में जब हम कुछ ड्रीम देखते हैं कि मुझे ये बनना है पर मैं कर नहीं पाया, क्यों? क्योंकि विजन ये है। हर एक के पीछे एक कॉस रहता है दोस्तों, हमारे पीछे हर एक के पीछे कॉस रहता है। इस चीज़ को कैसे निकाला जाए, कैसे बना जाए, कैसे अचीव किया जाए अपना, सो सिंपल सा एक तरीका है। पहला तरीका मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, और सिंपल तरीका ये है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप जा सकते हो और आप अपने अनलकी जीवन को लकी बना सकते हो। वो आपने देखे तो होंगे ना वीडियो कि कृपा आ रही है कि समोसा खाया है कि नहीं खाया, समोसा खाया, हाँ जी हाँ गुरुदेव खाया समोसा, भाई उसमें चटनी कौन सी थी, लाल वाली की नीली वाली, बोले गुरुजी चटनी तो मैंने देखी नहीं, तो जाओ फिर से खाओ और लाल वाली चटनी के साथ खाओ, कृपा आनी चालू हो जाएगी। सो ये जो वीडियो हैं, या ऐसे बहुत से लोग, या ऐसे बहुत से बाबा हैं, या आपकी हाथ में की रेखा ये कहती है, आपकी चेहरे की रेखा ये कहती है तेरा भाग्य बदलने वाला है, तो ये वो, सो ये सब, ये एक कॉस हो सकता है आपका भाग्य बदल दे। मैं इसको नकारता नहीं, हो सकता है, क्या पता, ये जस्ट बिलीव है। इसको मैं बिलीव सिस्टम, बिलीव थ्योरी बोलता हूँ, जो जिसमें मैं भी मानता हूँ कुछ परसेंट, कुछ हद तक, क्योंकि ये जुड़ा होता है हमारे इसी समस्या से, हमारे ब्रह्मांड तक। सर चलो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया एक बिलीफ सिस्टम, बट इसमें परसेंटेज केवल 5% है आपके जीवन में लकी होने के, बाकी के 95% कौन लाएगा? मैं एक्सक्यूजेस ही देता रह गया। मैंने एक जन से पूछा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या बनना था, तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने कहा कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन पाए? सो कहने लगे कि मेरे फादर ने मुझे बायोलॉजी नहीं लेने दिया, मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने पूछा तुम्हें जिंदगी में उसके बाद क्या करना था, मतलब कि मुझे जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना था पर मैं कर नहीं पाए क्योंकि मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी। दोस्तों आप बताइए, कितनी पिक्चरें आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें रस्ते से उठकर बच्चे आकर पढ़ाई करके, जिनके घरों में जलाने के लिए बल्ब नहीं होता है, आज वो बड़ी बड़ी कंपनी के CEO बनकर बैठे हुए हैं। क्या उनके घर की हालत आपके घर की हालत से कम थे? क्या उनके घर की हालत आपके घर की हालत से ज्यादा होंगे? नहीं। क्या आपके फादर, अगर आपके अंदर जुनून होता,
आपको करने का कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसके अलावा मुझे कोई तैयारी कोई पढ़ाई नहीं करनी है, तो क्या आपके फादर आपको कभी बायोलॉजी लेने देते हैं? नहीं, आपके फादर आपको बायोलॉजी लेने से रोकते कभी नहीं दोस्तों। वो जो जुनून होता है ना हमारे बीच में, और जब हम अपने दिल में सोचते हैं वो बात, एक बार धाने कहेगा, ये भी एक थ्योरी होती है, ये सीक्रेट होता है, जो चीज़ मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ ना, जिस चीज़ के बारे में मैं 24 घंटे सोचता हूँ, वो चीज़ मेरे आसपास मंडराने लगती है। ये एक मैग्नेटिक सिस्टम की तरह होता है, जिसको हम जैसे कॉयल में जो फराड की जो थ्योरी होती थी कि उस वो थ्योरी में क्या कहते हैं कि दो कॉयलों को समानांतर रखो तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वैसे ही दोस्तों जब हम सोचते हैं अपने दिमाग से 24 घंटे कुछ ना कुछ जिसके बारे में हम गहराई पे चले जाते हैं, वो चीज़ हमारे पास आ ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने दोस्त के बारे में बैठ के सोच रहे होगे, आप किसी रिश्तेदार या किसी भी पल के बारे में, और आपने देखा कि वो, फिर आपने महसूस किया उस पल को, आपने देखा कि उस दोस्त ने आपको उसी वक्त कॉल किया, आप सोच रहे होगे एक गाना, एक दिन में एक बस ऐसे ही सुबह उठ के गाना गुनगुना रहे होगे, और आपने देखा कि आप शाम को उसी गाने वाली पिक्चर देख रहे हो। सो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जीवन में अगर आप एक ड्रीमर हैं, सो अचीवर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बट एक्सक्यूजेस देखना बंद करते हैं, क्योंकि हम पता है ना, हम अंदर हम वो एक्सक्यूजेस जब देते हैं ना, तो तभी काम करना बंद कर देते हैं, हम हार जाते हैं खुद से, हमें लगता है अरे नहीं यार ये मौसम खराब है, मैं जाके क्या करूंगा। सो मेरे को मेरे अंदर की वो जो शक्ति है ना 100% जो मुझे देने का होगा ना, वो कभी दूंगा ही नहीं। उसे लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत बड़ा टेक्नीशियन बनना है, मुझे अपने मार्केट में सबसे बड़ा टेक्नीशियन बनना है। आप सोचिए कि आपके मार्केट में कितने लोग हैं, किस किस लेवल के, किस किस दिमाग के, कितने साल से काम करने वाले लोग हैं, और आपको बनना है नंबर 1। सो कैसे बनेंगे आप? सिर्फ 2 घंटे काम करके? नहीं दोस्तों, आपको देना पड़ेगा अपने 24 घंटों में से 18 घंटे देना पड़ेंगे, 24 में से 16 घंटे उसमें आपको अपनी पूरी तपस्या करनी पड़ेगी दोस्तों। काम इस हद तक करना पड़ेगा कि जुनून इतना बढ़ जाए कि हर दिन एक नया दिन हो सीखने का, और हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखें अपने लाइफ से। दोस्तों कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, हमें यही सोच के जाइए कि आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ लाइफ से, और जो मैं दे सकता हूँ लाइफ को वो मैं दूंगा, बाकी मैं नया सीखते रहूँगा। मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो भी लोग अपने लाइफ में एक ड्रीम रखे हैं, उनको रैपर बनना है ना, रैपर बनिए, पर रैपिंग की इतनी तैयारी कीजिए जितनी तैयारी बड़े बड़े रैपर भी नहीं करते, उनसे 15 मिनट थोड़ी ज़्यादा कीजिए। आपको बनता है, उनको नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो इतनी तैयारी करी, आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं, आपको उनसे कम से कम 15 मिनट तो ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। आप सोचिए आप किसी रेस में भाग रहे हैं, और आपके साथ वाला व्यक्ति आपसे थोड़ा आगे चला गया है, उसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि उसने बहुत ताकत लगाई अपने शरीर के अंदर आपसे आगे दौड़ने की, इसलिए वो दौड़ा। और जब आप उसको बहुत दूर जाते हुए देखते हैं तो आप दौड़ना कम कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब मैं क्या जीतूंगा, अब तो मैं हार गया। यही एक सबसे बड़ी एक हार होती है हमारी जीवन की, कि हम हारने से पहले ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, और यही रीज़न है कि हम अपने धंधे बदल लेते हैं, यही रीज़न है कि हम अपने काम छोड़ देते हैं, और यही रीज़न है कि बनता हुआ काम भी हम नहीं कर पाते। हम पहले ही समझ लेते हैं ये काम तो बिगड़ने वाला है, कैसे होगा वो काम जब आपने पहले ही बोल दिया कि वो बिगड़ने वाला है। कभी बिल्ली क्रॉस कर गई, कभी कुछ हो गया, कितना हम इस चीज़ को एक अवधारणा बना लिए अपने दिमाग की कि अब तो बुरा होगा, अब तो बुरा होगा। अब सिर्फ बुरा होगा क्यों नहीं, आपने तो ऑलरेडी बोल दिया अपने साथ कि अब तो बुरा होगा। अगर आप बोलते यार अब तो और अच्छा होगा, अब तो और अच्छा होगा, मैं बोलता नहीं भी होगा तो क्या पता हो जाए अच्छा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छी बातें कीजिए, नेगेटिव कभी मत होइए। अपनी गलतियों को कभी भी दूसरों पर मत डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। वो रैपर जो मुझसे कहता था कि मुझे रैपर बनना है पर मैं बन नहीं पाया क्योंकि मैं समय नहीं दे पाया, उसको ये कहना चाहिए था क्योंकि मैं अपने काम पर समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ज़्यादातर अपने बाहर अपने दोस्तों के साथ बताता हूँ अपने रैपर बनने के लिए, कभी मैं अपनी मेहनत नहीं कर रहा इसलिए मैं रैपर नहीं बन पाया। अपने माँ बाप अपने ऊपर या अपने भाग्य पर आप उंगली उठा देते हो, अपने भाग्य पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा देते हो, ये बोलते हो कि मेरा भाग्य खराब है इसलिए मैं नहीं कर पाया। नहीं दोस्तों, रीज़न ये है कि आप करना नहीं चाहते अंदर से, और ये जो आपने ड्रीम देख रहे हो ना, ये सब किसी देख ये जो आप ड्रीम देख रहे हो ना, ये आपने किसी न किसी को देख कर किया हुआ है। मैं ये मानता हूँ ड्रीम देखिए, पर वही जिसमें आपकी कुशलता हो, जिसमें आपका स्किल छुपा हो, जिसका आपका इंटरेस्ट हो। मैं वही काम करता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और इसलिए आज मैं उस काम में बहुत आगे हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर एक आदमी मुझसे भी आगे रहे, पर थोड़ी सी मेरे से आधा घंटा ज़्यादा मेहनत करके ही।
थैंक यू वेरी मच। आई होप कि वीडियो आपको पसंद। अगर आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी पूछना है कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता, कुछ कमेंट पर रिप्लाई कर देता हूँ, बट पढ़ता मैं हर कमेंट का हूँ। थैंक यू वेरी मच।